स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसलेशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे. ओके, सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? काम हो रहा है या काम चल रहा है, तो वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. चलिए इसके स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा है, जिसके द्वारा काम हो रहा है, तो वो होता है सब्जेक्ट. ओके, तो मैं अभी आपको बताऊंगी सब्जेक्ट्स के बारे में, पढ़ाऊंगी आगे. ठीक है, ये आगे हो गया सब्जेक्ट. इज एम आर लगाते हैं, फिर हम क्या लगाते हैं? इज एम आर. ठीक है, इज एम आर, तो इनमें से एक लगाते हैं हम. फिर लगाते हैं वर्ब. वर्ब मैंने आपको लर्न करवाई है, तो वो वर्ब लगाते हैं फिर. ठीक है, और फिर वर्ब के साथ आई एन जी, वर्ब के साथ क्या जोड़ते हैं? आई एन जी जोड़ते हैं इसमें. ओके, और फिर जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट, जैसे किताब हो गया, पेंसिल हो गई, बॉल हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया. ओके, मैंने एग्जांपल ले लिए यहाँ पर. जैसे राम एक किताब पढ़ रहा है, राम एक किताब पढ़ रहा है, तो वाक्यों के अंत में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, आता है. तो ये किसकी पहचान है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है. ओके, तो रहा है, तो ये किसकी पहचान हो गई? हम इससे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. नेक्स्ट है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है. तो देखिए वाक्यों के अंत में क्या आया है? रही है. तो ये किसकी पहचान है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है. ओके बच्चों, चलिए अब हम इससे रिलेटेड सेंटेंस करेंगे. उससे पहले मैं आपको सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट पढ़ा दूँ. सबसे पहले आप ये और समझ लिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में. ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही के साथ क्या यूज करते हैं? इज. एस एच शी के साथ क्या यूज करते हैं? इज. फिर है इट, आई टी इट, इट के साथ क्या यूज करते हैं? इज. फिर है कोई भी नाम ले लीजिए, एक सीता, गीता, राम, इसके साथ भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे? इज. तो सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे? इज का यूज करेंगे. ओके, और एक चीज और सुन लीजिए, आई, आई के साथ हमेशा हम किसका यूज करते हैं? एम का यूज करते हैं. तो ये तो सभी बच्चों को पता है. अब प्लूरल सब्जेक्ट पर आ जाइए. ये है प्लूरल सब्जेक्ट. ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है वी, वी के साथ हम यूज करते हैं आर. फिर है यू, यू के साथ हम क्या यूज करते हैं? आर. फिर है दे, दे के साथ हम क्या यूज करते हैं? आर. फिर किसी भी दो पर्सन के नेम ले लीजिए, सीता एंड गीता, तो इनके साथ भी आर आएगा, क्योंकि ये दो पर्सन हो गए, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, तो इसके साथ आर लगाएंगे, इज मत लगा दीजिएगा. तो आपको समझ में आ गया सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट, तो किन के साथ हमें इज लगाना है, आर लगाना है, एम लगाना है. ओके, तो चलिए हम सेंटेंसेस पर आ जाते हैं. इंग्लिश, मेक इंग्लिश, हिंदी दी है, इंग्लिश बनाना है. पहला है मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ. तो देखिए हमें कैसे पता चलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस हैं. रहा हूँ आ रहा है ना लास्ट में, रहा हूँ, काम हो रहा है. ओके, काम चल रहा है, तो यही पहचान होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की. तो पहले हम किसकी मिलने लाएंगे? मैं हूँ की, तो मैं हूँ की क्या आएगी? आई एम. क्या आएगी? आई, आई के साथ एम आता है. ओके, फिर हम क्या लगाएंगे? खा, किसकी लगाएंगे? खा और फिर रहा की, तो खाने की क्या होती है? ईट, और रहा की आई एन जी, क्या होती है? आई एन जी, तो ईटिंग बन जाएगा. तो मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग. ओके, पढ़ रहा है,
वह पढ़ रहा है, तो पहले हम किसकी लगाएंगे, वह है कि, तो यहाँ पर तो लड़का है, लड़के की बात हो रही है, ओके, तो वह है कि लगाएंगे ही इज, फिर पढ़, तो पढ़ने की क्या होती है, रीड, और रहा की आई एन जी, रीडिंग क्या हो जाएगी, रीडिंग, वर्ब के साथ आई एन जी जोड़ दी, वह पढ़ रहा, ही इज रीडिंग। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं, वहाँ खेल रही है, वहाँ खेल रही है, पहले हम किसके लिए, वहाँ है कि, तो वहाँ है लड़की तो खेल रही है, लड़की के लिए तो बोलते हैं, तो वहाँ है कि लगाएंगे शी इज, फिर खेल और रही की, खेल की होती है प्ले, और रही की आई एन जी प्लेइंग, ओके, तो वहाँ खेल रही है शी इज प्लेइंग। सभी बच्चे ध्यान से सेंटेंसेस करेंगे, ओके, टेक केयर, बाय बाय।